हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं चॉइस इज योर सीरीज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, अपन जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं सभी किसी ना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोरिलेट होती हैं। ठीक है, चाहे अपन NMR पढ़ें, चाहे अपन ESR पढ़ें, चाहे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ें, चाहे UV, चाहे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन पढ़ें, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोरिलेट होती हैं। ठीक है, यहाँ मोसबोर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ होती है वो होती है अपनी गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR। ठीक है, तो गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अपन मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कह सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपन गामा रे रेडिएशन का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना आता है न्यूक्लियर स्पिन। देखिएगा, जैसे अपन NMR पढ़ते हैं तो NMR में अपन देखते हैं कि अपन न्यूक्लियर ट्रांजिशन या न्यूक्लियर स्पिन की अपन बात करते हैं, लेकिन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करते हैं, ना कि न्यूक्लियर स्पिन की या न्यूक्लियस स्पिन की। लेकिन मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अपन किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर स्पिन की ही अपन बात करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्पिन का कोई डिस्कशन नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने को मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी नॉलेज देती है। ठीक है, इसी टाइप से अपन बात करेंगे मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन होंगे वो ट्रांजिशन कैसे होंगे, वो न्यूक्लियर ट्रांजिशन अपने होते हैं। कैसे ट्रांजिशन होते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन। देखिए, सिंपल है, न्यूक्लियर स्पिन की बात हो रही है तो यहाँ जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होगा, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस के स्पिन के अपने पास बातें हो रही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। देखिएगा, NMR में भी अपन न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं, मोसबोर में भी अपन न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन का कोई डिस्कशन नहीं होता, न्यूक्लियस के स्पिन का डिस्कशन होता है। लेकिन वहाँ NMR में अपन सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अपन को ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट के रेस्पेक्ट में अपन न्यूक्लियर स्पिन नहीं चेक करते हैं, अपन सिर्फ सिंपल एक न्यूक्लियस के स्पिन का डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन स्पिन बोल देते हैं हाफ होती है, ड्यूटेरियम के लिए अपन वन बोल देते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन न्यूक्लियस के लिए अपन जीरो बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन यहाँ भी अपन यही बात करने वाले हैं। यहाँ जो न्यूक्लियर स्पिन होगी जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करें, वो आई क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। कैसी होगी, ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियर स्पिन होगी वो उस न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दो स्टेट्स के लिए डिस्क्राइब होने वाली है। यानी यहाँ जो अपन किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन की अपन बात करेंगे, वो अपन एक तो बात करेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में, और एक उस न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट की न्यूक्लियर स्पिन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, मैंने Fe मेटल लिया, आयरन मेटल है 57। देखिए, यहाँ पे जितने भी मैंने मेटल्स लिखे हुए हैं सभी के मैंने एटॉमिक वेट लिखे हुए हैं, तो एटॉमिक वेट सहित आपको इसे याद होनी चाहिए कि Fe मेटल के लिए, Fe57 जो मेटल है उसके लिए ग्राउंड स्टेट जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, और एक्साइटेड स्टेट जो स्पिन होगी वो 3/2 होती है। इसी टाइप से जो स्टेनस है अपना पास, ठीक है, 114 स्टेनस जो है उसकी ग्राउंड स्टेट स्पिन होती है हाफ, और एक्साइटेड स्टेट स्पिन होती है 3/2। इसी टाइप से जो रेडियम है 193, उसकी स्पिन ग्राउंड स्टेट भी हाफ होती है और एक्साइटेड स्टेट होती है 3/2। इसी टाइप से अपन बात करते हैं आयोडीन 127 की, जिसकी ग्राउंड स्टेट स्पिन होगी 5/2 और एक्साइटेड स्टेट स्पिन होगी 7/2। इसी टाइप से आयोडीन 129, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये 127 है, ये 129 है। 129 में जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये 7/2 ग्राउंड स्टेट बन जाती है और 5/2 बन जाती है एक्साइटेड स्टेट की स्पिन। यानी अपन जो स्पिन का डिस्कशन करने वाले, जैसे मैंने Fe मेटल ही ले लिया, तो इस Fe मेटल के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं दो स्टेट की बात करूँगा, एक लूँगा मैं ग्राउंड स्टेट और एक लिखूँगा मैं इसके लिए एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए मैंने स्पिन लिख दी क्या होगी, हाफ, और एक्साइटेड स्टेट के लिए मैंने लिख दी स्पिन क्या होगी, 3/2। तो अपन यही ट्रांजिशंस की बात करेंगे। यहाँ अपन स्प्लिटिंग फर्दर अपन आगे पढ़ेंगे, तब अपन यहाँ पे अपन क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग लगाएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होती है। इसी टाइप से अपन मैग्नेटिक फील्डिंग, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग में अपन पढ़ेंगे जो ज़ीमान स्प्लिटिंग में कहलाती है। तो वो फर्दर अपन इन्हीं में ही, इन्हीं ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट को स्प्लिट करके अपन बनाने वाले हैं। तो मेनली आपको कोई भी न्यूक्लियस है तो उसके लिए अपन दो न्यूक्लियर स्पिन की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर, एक उसकी ग्राउंड स्टेट की होगी, एक उसकी एक्साइटेड स्टेट की होगी। जबकि अपन NMR में पढ़ते हैं तो अपन सिर्फ एक स्पिन पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन बोलते हैं सिर्फ ये हाइड्रोजन का कोई स्टेट है जिसकी अपन स्पिन अपन ने मान ली हाफ है, अपन नॉर्मल अपन बोल के चल देते हैं। ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ वो तो अपन आगे डिवाइड करते हैं। तो मेनली आपको ध्यान में रखना है मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो न्यूक्लियस आप ले रहे हो उस न्यूक्लियस की आपको दोनों स्पिन का नॉलेज होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट का भी और उसकी एक्साइटेड स्टेट का भी होना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये क्या है, चाहे नेट गेट का एग्जाम हो, चाहे आपका MSc लेवल का एग्जाम हो, मेनली जो न्यूक्लियस की जो बात करते हैं वो अपन इन दो ही न्यूक्लियस के बारे में अपन बात करते हैं। एक होता है अपना Fe मेटल, एक होता है स्टेनस मेटल।
दो ही अपन इन एलिमेंट्स की अपन बात करते हैं, इन्हीं की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में अपन पढ़ते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के लिए जो भी अपन डाटा पढ़ने वाले हैं, चाहे इसके लिए अपन जो भी अपन आइसोमर शिफ्ट पढ़ें या जो भी अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स इसमें होगा। यानी इसमें जो चीज़ प्लस में होगी, ये जो इस मेटल के लिए जो चीज़ बेनिफिट करेगी, वो इस चीज़ के लिए, इस मेटल के लिए बेनिफिट नहीं करेगी, और इसके लिए जो बेनिफिट नहीं करेगी वो इसके लिए बेनिफिट करेगी। जस्ट रिवर्स होते दोनों चीज़ें। तो ये दोनों आपस में कोरिलेट भी हैं और याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है जब अपन आगे पढ़ेंगे तब। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि गामा रेडिएशन का सोर्स क्या होता है। जो सोर्स अपन पढ़ने वाले हैं गामा रेडिएशन का, वो सोर्स कहाँ से आता है, वो सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन। देखिए कैसे मॉस्फोर स्पेक्ट्रोस्कोपी या कैसे वर्क करती है टोटली। सबसे इम्पोर्टेंट है अपन सन, इन्होंने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने, उसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियस देखा गया, कोबाल्ट का एक न्यूक्लियस, ठीक है, 27 कोबाल्ट 57 एटॉमिक नंबर है, या इसका एटॉमिक मास है कोबाल्ट का। कोबाल्ट है, ध्यान रखिए कार्बोनिल नहीं है, कोबाल्ट है, ठीक है, सी बड़ा है। तो एक कोबाल्ट मेटल लिया गया, इस कोबाल्ट मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब -1 e₀ इसमें क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ये मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी क्या होगा, 27 में से एक माइनस हो जाएगा, 26 आ जाएगा, और 26 पे जो मेटल बनती है वो कौन सी होती है, आयरन मेटल होती है अपनी, बाकी 57 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। इतना तो सिंपल आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अपन पढ़ते ही हैं, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो 27 में तो एक माइनस हो गया, 26 आ जाएगा। न्यूक्लियस 26 एटॉमिक नंबर पे कौन सा बनता है, आयरन बनता है, और 57 एज इट इज, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात हुई। मैंने इसके आगे लिखा है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्यों लिखा है, देखिए सिंपल बात है, यहाँ सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी न्यूक्लियस है, सपोज कोई भी न्यूक्लियस है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इस स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में तो जाएगा, सिंपल बात है। तो इसको अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। और यहाँ ये जो न्यूक्लियस है, जो आयरन न्यूक्लियस है, 26 Fe57 जो न्यूक्लियस है, ये कैसा न्यूक्लियस है, एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस हो चुका है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है अभी एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे पूछते हैं आपसे कि मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस कौन सा है, कोबाल्ट मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस है या नहीं है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ये मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस नहीं है, कोबाल्ट क्या है, मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस कौन है, ये आपका मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस है, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। ये मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियस क्यों है वो अपन देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। यहाँ मैंने बात की, यहाँ मैंने मान लिया ये आपका क्या है, Fe57 न्यूक्लियस, जो कि एक्साइटेड स्टेट वाला न्यूक्लियस है, वो यहाँ पर इस एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा अपनी। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करता है, गामा रे को इमिट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कोबाल्ट है ये ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, ना कि एक्साइटेड स्टेट में, तो ये गामा रे को इमिट नहीं कर सकता। ये तो ग्राउंड स्टेट में है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन को या किसी रेज को, किसी किरण को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ना कि इमिट कर सकता है। जबकि ये जो न्यूक्लियाई है, ये क्यों मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि ये क्या करता है, जब अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, गामा रे को इमिट करता है। तो गामा रे को इमिशन के कारण ही क्या है, ये मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि मॉस्फोर में अपन कैसी रे की बात करते हैं, अपन गामा रे की अपन बात करते हैं, ठीक है। जो गामा रे इमिट करेगा वही मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसी वजह से कोबाल्ट मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है, जबकि क्या है, Fe57 जो है अपना वो मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। ये जितने भी हैं सारे मॉस्फोर एक्टिव न्यूक्लियाई ही हैं, सभी गामा रे का इमिशन करते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन अपन इतना फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। निकिल भी होता है, रूथियम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट था, कोबाल्ट ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, एक्साइटेड स्टेट में गया न्यूक्लियस, Fe न्यूक्लियस बन चुका है। अब ये जो Fe न्यूक्लियस है अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा एक गामा रे को इमिट करता है, ठीक है। ये गामा रे जो इमिट है, अब ये गामा रे ये किस काम में आएगी अपने, ये गामा रे किस काम में आती है, देखिएगा ये गामा रे कोई अदर कोई अपने कह लेते हैं एक सैंपल लेते हैं अपन, कोई भी एक सैंपल ले लेते हैं, किसी भी न्यूक्लियस का कोई सैंपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। वो सैंपल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। वो जो सैंपल वाले जो न्यूक्लियस हैं, वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, यहाँ से जो गामा रे इमिट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद किस में चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, कौन, सैंपल के न्यूक्लियस।
और इसी सारे प्रोसेस को अपन बोलते हैं गामा रे रेजोनेंस बोलते हैं। अनुनाद हो चुका है, ये ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं। कैसे गए? सैंपल के जो न्यूक्लियस हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे गए? इन्होंने यहाँ से जो गामा रे इमिट हुई उसको एब्जॉर्ब किया और खुद ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गामा रे कहाँ से मिल रही है आपको? गामा रे Fe57 न्यूक्लियस से मिल रही है जो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। यानी एक्चुअल में ये जो पूरा है, ये जो न्यूक्लियस है, जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है, स्टेट में आ रहा है, तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? एक सोर्स की तरह वर्क कर रहा है, एक स्रोत है, एक सोर्स है जो क्या कर रहा है? गामा रे को इमिट कर रहा है। इस वजह से ये जो पूरा सिस्टम है क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है। क्योंकि ये यहाँ जब न्यूक्लियस एफ ई मेटल जो है वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगी तो गामा रे को इमिट करती है। इस वजह से पूरा प्रोसेस है सोर्स है, क्योंकि गामा रे का इमिजन करता है। ठीक है, ये गामा रे कौन एब्जॉर्ब करता है? ये सैंपल वाले न्यूक्लियस जो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं, ये इस गामा रे को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये तो पूरा मेथड था गामा रे रेडिएशन कैसे अपने पास जनरेट होती है और क्या काम में अपने पास आती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, सोचने की बात यह है कि देखिएगा, यहाँ कोई न्यूक्लियस है सपोज ग्राउंड स्टेट में और वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, वो कब जाएगा? जब वो इतना जो एनर्जी गैप है इस ग्राउंड स्टेट और इस एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको क्लियर कर ले। ठीक है, उसको पार करेगा तभी तो वो जाएगा इसमें एक्साइटेड स्टेट में। अब वो इतना एनर्जी गैप कब कैसे पार करेगा? जब वो इस गामा रे को एब्जॉर्ब करे, ये जो गामा रे इमिट यहाँ से जो गामा रे इमिट होगी उसको एब्जॉर्ब करे न्यूक्लियस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, सपोज इस गामा रे की एनर्जी, सपोज ये मान लो कि जो ग्राउंड स्टेट और इस एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो भी एनर्जी गैप है वो मान लो 12 किलो जूल है। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी गैप है वो मैंने मान लिया 12 किलो जूल एनर्जी गैप है मान लिया मैंने। अब ये जो गामा रे इमिट होके और ये इसने जो एब्जॉर्ब की है, अगर ये गामा रे इस 12 किलो जूल से कम एनर्जी रखती है तो कभी भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई? अगर ये 12 किलो जूल एनर्जी जो ये बीच का गैप है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस न्यूक्लियस को 12 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सिंपल बात अपन बोल सकते हैं, ये 12 किलो जूल एनर्जी कहाँ से आएगी? ये जो गामा रे एब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियस उसी से आएगी। लेकिन अगर इस सपोज इस गामा रे की एनर्जी मान लो 12 किलो जूल से क्या है, कम है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी मैंने मान ली ई गामा मैंने लिख दिया। ठीक है, ये ई गामा जो है 12 किलो जूल एनर्जी से अगर कम है तो कभी भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। हो पाएगा क्या? सपोज इसने 10 किलो जूल एनर्जी दे दी, ये तो 12 चाहिए, ये इसको दे रहा है, इस न्यूक्लियस को ये गामा रे दे रही है 10 किलो जूल एनर्जी, कैसे ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, 12 किलो जूल एनर्जी से अगर कम है तब तो कभी भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। सपोज 12 किलो जूल एनर्जी दे दी तब तो ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? तब भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। देखिए लेस देन और मैंने इक्वल्स का साइन भी लगा दिया, लेस देन इक्वल्स टू 12 किलो जूल अगर ये इस गामा रेडिएशन की एनर्जी है तब भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 12 किलो जूल एनर्जी का ये तो एक गैप है, 12 किलो जूल एनर्जी इसको ये दे रहा है, फिर क्यों नहीं ये ट्रांजिशन हो रहा है? उसका रीज़न है रिकॉयल एनर्जी, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ है रिकॉयल एनर्जी। अब ये रिकॉयल एनर्जी क्या है? सपोज कीजिए ये 12 किलो जूल एनर्जी की गामा रे है और ये इस न्यूक्लियस के आके ऊपर बॉम्बार्डमेंट होती है, या फिर मैं कहूँ ये न्यूक्लियस इस 12 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस गामा रे में क्या है? गामा रे है, कोई रे है तो उसमें पार्टिकल्स भी हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? यहाँ पर आके इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और अपनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को देते हैं। तो सिंपल है, जब इस गामा रे वाले पार्टिकल्स और इस न्यूक्लियस, जब ये गामा रे वाले पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी देंगे तो कोई ना कोई कोलिजन तो हुई होगी, टक्कर तो हुई होगी ना, तभी तो अपनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर देंगे वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये इससे टक्कर करते हैं या अपनी एनर्जी इसको देते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, उस टक्कर से कुछ एनर्जी का क्या हो जाता है, उस कोलिजन से क्या हो जाता है, उस कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर जितनी एनर्जी ये गामा रे रखती है उतनी एनर्जी इस न्यूक्लियस को नहीं दे पाती है, कंप्लीट नहीं दे पाती है। अगर 12 किलो जूल एनर्जी के न्यूक्लियस के पास एनर्जी है और वो इसके साथ गामा रे में जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी अगर 12 किलो जूल है और वो इस न्यूक्लियस से अगर कोलिजन करते हैं तो वो कंप्लीट 12 किलो जूल एनर्जी इसको नहीं दे पाते हैं, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है उस कोलिजन में, और जितनी एनर्जी का लॉस होता है उस कोलिजन में उसी को अपन बोलते हैं रिकॉयल एनर्जी। अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्रांजिशन करवाना है तो इस गामा रे वाले पार्टिकल्स को
इस न्यूक्लियस को 12 किलो जूल से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि यहाँ जो गामा रे वाले पार्टिकल होंगे, इस गामा रे की जो एनर्जी होगी वो इस 12 किलो जूल से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 13 किलो जूल हो जाए, 14 किलो जूल हो जाए, तब कोई दिक्कत नहीं है। सपोज 14 किलो जूल इस गामा रे की एनर्जी है, ठीक है, जैसे इसे बम्बार्टमेंट से टक्कर करेंगे, ये न्यूक्लियस या ये गामा रे वाले पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी देंगे, तो 14 किलो जूल में से 2 किलो जूल या 1.5 किलो जूल, 1 किलो जूल क्या हो जाएगी, रिकॉयल एनर्जी में लॉस हो जाएगा, ठीक है, बाकी बची हुई एनर्जी इसको दे देंगे। और जैसे ही ये न्यूक्लियस 12 किलो जूल या 12 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी अपने पास ले लेगा इन गामा पार्टिकल्स से, आसानी से ट्रांजिशन हो जाएगा। हाई बात समझ, तो इम्पोर्टेंट है कि इस गामा रे की जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 12 किलो जूल होनी चाहिए, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज 12 से ज़्यादा इसके पास एनर्जी हुई तो कुछ एनर्जी रिकॉयल एनर्जी में वेस्ट हो जाएगी, टक्कर में वेस्ट हो जाएगी, जो बची हुई है वो एक काम में ले लेगा और ट्रांजिशन कर देगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है, इस रिकॉयल एनर्जी को वाली प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, कैसे इससे ओवरकम किया जाए, बाहर आया जाए, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए रिकॉयल एनर्जी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, जो भी गामा रे वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं सैंपल वाले न्यूक्लियस से, तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है कोलिजन में, टक्कर में, या कहूँ एनर्जी ट्रांसफ़र में, जब गामा रे वाले पार्टिकल अब कुछ एनर्जी का ट्रांसफर, जो अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं उस न्यूक्लियस को, तो उस एनर्जी ट्रांसफ़र के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं रिकॉयल एनर्जी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि कुछ पार्टिकल्स अपनी एनर्जी उस न्यूक्लियस को जब देंगे, गामा रे वाले पार्टिकल्स जब उस न्यूक्लियस को अपनी कुछ एनर्जी देंगे, तो उन एनर्जी सीधी तो ट्रांसफ़र होगी नहीं, किसी न किसी कोलिजन से ट्रांसफ़र होगी, अपन गैस स्टेट में पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, वही एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होता है, उसको नीड होती है उस सैंपल वाले न्यूक्लियस को, ताकि वो ट्रांजिशन कर सके, ठीक है। ज़रूरी है कि वो सैंपल वाले जो ग्राउंड स्टेट वाले जो न्यूक्लियस हैं, वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएं, तो उनकी जो भी एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी तो उनको मिले ही मिले उस गामा वाले पार्टिकल से, और वो तभी मिलेगी जब गामा वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो उस गैप से, उस एनर्जी गैप से, ठीक है। आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा पीछे। तो रिकॉयल एनर्जी की अपन बात करते हैं, देखिएगा, वी नीड गामा रेज ऑफ अ स्लाइटली हायर एनर्जी। देखिए ये लिखा है कि हमें जो गामा एनर्जी की जो नीड होती है वो कुछ स्लाइटली हायर एनर्जी की होनी चाहिए फ्रॉम द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब यही है जो वहाँ पर अपन ने देखा था ना, सैंपल वाले न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जो भी एनर्जी गैप अपन ने देखा था, उस एनर्जी गैप की बात कर रहा है रेजोनेंस एनर्जी। फ्रॉम द रेजोनेंस एनर्जी टू ओवरकम रिकॉयल एनर्जी, उस रिकॉयल एनर्जी से बाहर आने के लिए जरूरी है कि जो भी रेजोनेंस एनर्जी है सैंपल वाले सिस्टम में, जो भी रेजोनेंस एनर्जी है या जो भी एनर्जी गैप है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में, उस एनर्जी गैप से कुछ ज़्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए, किसकी, गामा रे की, स्लाइटली हायर, थोड़ी ही ज़्यादा हो जाए लेकिन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर इसके जितना भी एनर्जी है अगर न्यूक्लियस की गामा रेज की, तो भी ट्रांजिशन नहीं होगा। ज़रूरी है कि गामा रेज की जो एनर्जी हो वो क्या होती है, क्या हो, इस कैप से ज़्यादा ही हो। इस कैप से ज़्यादा एनर्जी अगर होगी आने वाली गामा रे की, ठीक है, गामा रे है, ठीक है, इससे इसकी अगर एनर्जी ज़्यादा ही होगी इस गैप से, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो पाएगा सैंपल का, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। और ये है आपके पास रिकॉयल एनर्जी का फॉर्मूला। रिकॉयल एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ गामा पार्टिकल्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2mc². m होता है मास ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल वाला न्यूक्लियस उसका मास, c आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी होता है रिकॉयल एनर्जी का, 536536 इंटू ई गामा का स्क्वायर डिवाइड बाई m, ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कई कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ ले, फॉर्मूला बेस्ड पूछ ले, आपको गामा रेडिएशन दे दी, गामा रेडिएशन की एनर्जी दे दे और जो सैंपल वाले पार्टिकल्स का मास दे दे और एनर्जी आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब बात आती है इस रिकॉयल एनर्जी को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, क्योंकि अपन तो यही चाहेंगे ना कि कुछ कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो। जितनी गामा रेडिएशन अगर 12 किलो जूल एनर्जी भी रखता है अगर एक एग्जांपल के तौर पे, तो 12 की 12 ही ट्रांसफ़र कर दे उस सैंपल वाले न्यूक्लियस को, उस सैंपल वाले न्यूक्लियस को वो क्या कर दे, 12 की 12 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे और आसानी से क्या हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, ऐसा अपन सोचते हैं। पर ऐसा करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी की हानि हो रही होती है वहाँ पे या जो रिकॉयल एनर्जी होती है उसको अपन क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। कैसे कर सकते हैं, बाइंडिंग द एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियस इनटू बिग क्रिस्टल लैटिस।
मैं इस पॉइंट का मतलब समझाऊं तो यही है कि आपका जो तो सैंपल वाला न्यूक्लियस होना चाहिए ना, वो क्या सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यही है। कैसे स्टेट में होना चाहिए? एक बिग क्रिस्टल लैटिस होना चाहिए, या फिर मैं कहूँगा एक सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, प्रोवाइड एनवायरमेंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन एंड हीलियम टू द सैंपल। इस सैंपल वाले न्यूक्लियस को कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए? आपको लिक्विड नाइट्रोजन और हीलियम का एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। इससे भी क्या हो सकती है, जो रिकॉइल एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है, यानी फिर जो गामा रेडिएशन आती है वो लगभग अपनी सारी की सारी एनर्जी सैंपल वाले न्यूक्लियस को दे देती है, कोई एनर्जी की हानि नहीं होती है अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। थर्ड चीज़ आती है डॉपलर इफेक्ट। इसका भी इफेक्ट क्या होता है, देखिए इफेक्ट क्या होता है, व्हेन ए मूविंग बॉडी इमिट्स रेडिएशन। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो आपने पीछे पढ़ा है, जैसे अपन ने सोर्स पढ़ा, ठीक है, इधर अपन ने सैंपल देखा, ठीक है, सैंपल की ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ऐसे सोर्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ये सोर्स की एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। सोर्स का वाला न्यूक्लियस क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, गामा रे एमिट करता है, सैंपल वाला पार्टिकल यहाँ पे होता है, इस गामा रे को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये प्रोसेस अपन ने पीछे देखी। तो यहाँ बस आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो सोर्स है ये मूविंग होता है, ये एक मूविंग बॉडी होती है। सोर्स क्या हो सकता है, सपोज ये फिक्स्ड पोजीशन है जीरो, इस जीरो से ये सैंपल के इधर भी जा सकता है, प्लस डायरेक्शन बोल सकते हैं अपन इसको, इसके ज़्यादा नज़दीक जाएगा उतनी प्लस डायरेक्शन, और इसे जितना दूर जाएगा उसको अपन माइनस डायरेक्शन भी अपन बोल देते हैं, ठीक है। तो सैंपल ये जो सोर्स है ये क्या होता है, मूविंग बॉडी होती है आपकी, ये इधर इधर घूमता रहता है, सैंपल से कभी पास जाता है, सैंपल से कभी दूर जाता है, जबकि सैंपल जो आपका ये स्टेशनरी स्टेट में होता है, एक स्थिर अवस्था में होता है। आई बात समझ में? तो डॉपलर इफेक्ट में क्या बोलता है, व्हेन ए मूविंग बॉडी इमिट्स रेडिएशन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सोर्स की बात कर रहा है, क्योंकि सोर्स ही होती है अपनी मूविंग बॉडी, इमिट्स रेडिएशन ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर का यहाँ मतलब है कि एक सैंपल की बात कर रहा है, क्योंकि सैंपल ही अपना कैसा होता है, स्टेशनरी होता है, स्थिर अवस्था में होता है। ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीम्स ए शिफ्टेड फ्रिक्वेंसी, वो एक फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट को महसूस करता है या देखता है, ठीक है, मैं बात करूँ तो वो शिफ्ट को देखता है और उसी फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट को, फ्रिक्वेंसी मतलब देखिए जो गामा रे आ रही है रेडिएशन है, रेडिएशन है तो उसकी कुछ एनर्जी है, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज भी हैं, सिंपल है, तो उस फ्रिक्वेंसी में वो कुछ शिफ्ट को देखता है, कुछ परिवर्तन को देखता है, कुछ चेंजमेंट को देखता है, और वही चेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। और वो जो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कहूँ या डॉपलर इफेक्ट कहूँ, वो डेल न्यू, फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट डेल न्यू, वो क्या इसके इक्वल होता है, न्यू इंटू वी बाई सी, न्यू इंटू वी बाई सी, ये न्यू है फ्रिक्वेंसी है किसकी, सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, ये वी है वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, ऑफ मूविंग सोर्स, जो सोर्स आपका मूवमेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी, डिवाइड में सी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और आते भी हैं। अब अपन बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ मॉस बोर स्पेक्ट्रा। मॉस बोर स्पेक्ट्रा को कैसे रिकॉर्ड किया गया, कैसे मॉस बोर स्पेक्ट्रा आया, इसके लिए अपने को दो तीन चीज़ों की नीड पड़ती है। जो मॉस बोर स्पेक्ट्रा जो बनाया गया जाता है, वो बनाया जाता है इंटेंसिटी ऑफ सोर्स वर्सेज स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, मैं लिखना भूल गया, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, गामा रेज की कितनी इंटेंसिटी आती है, वर्सेज स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स की क्या स्पीड है, यानी सोर्स की स्पीड क्यों माप रहे हैं, सोर्स की स्पीड अपन क्यों ले रहे हैं, मैंने बताया ना सोर्स कैसा अपना मूविंग बॉडी है, स्पीड पॉजिटिव में भी हो सकती है, स्पीड नेगेटिव में, स्पीड नेगेटिव का से मेरा मतलब है कि नेगेटिव वैसे नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि ये सैंपल से दूर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब होता है कि वो सैंपल से दूर क्यों जा रहा है, पॉजिटिव स्पीड का मतलब है सैंपल के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो सोर्स कैसे मूव करता है, उसका अपन किसके साथ बनाते हैं इंटेंसिटी, इस गामा रेडिएशन के इंटेंसिटी के साथ कर्व अपन प्लॉट करते हैं, वही अपना क्या होता है मॉस बोर स्पेक्ट्रा होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं अपन कैसे बनाएंगे, देखिएगा, मान लिया कि सोर्स ऑफ स्पीड जीरो है, तब मैंने मान लिया कि जो एनर्जी ऑफ सैंपल है, एनर्जी ऑफ सैंपल कहूँ या एनर्जी ऑफ गामा रे कहूँ, एक ही तो बात है, जो सॉरी एनर्जी ऑफ जो सैंपल का जो न्यूक्लियस है, आई थिंक सॉरी गामा रे नहीं, एनर्जी ऑफ जो सैंपल, मतलब ये जो सैंपल का जो न्यूक्लियस है इसकी एनर्जी मैंने मान ली, मोस्टली एनर्जी से मेरा मतलब यहाँ पे ये है, इस एनर्जी गैप से, ये ध्यान में रखिएगा, इस एनर्जी गैप से मतलब है, ठीक है, मतलब क्या है कि दस अगर जब सोर्स की स्पीड मैंने मान ली जीरो है, यानी वो कहीं इस पोजिशन पर है, तब एनर्जी ऑफ सैंपल, इस सैंपल वाले न्यूक्लियस की एनर्जी मैंने मान ली 10 किलो जूल है, और जो गामा रे आ रही है उसकी इंटेंसिटी है 100%, ठीक है। जब सोर्स की स्पीड 2 मिलीमीटर पर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो स्पीड ऑफ सोर्स आप मेजर करोगे वो मिलीमीटर पर सेकंड में होगी, ठीक है, किस में होगी, मिलीमीटर पर सेकंड में होगी।
2 मिलीमीटर पर सेकेंड जब इस सोर्स की स्पीड हुई यानी इधर जाने लगा, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सैंपल मैंने मान ली 10.5 किलोजूल हो गई। देखिए क्यों इस सैंपल की एनर्जी कैसे बढ़ गई, ये गामा रे को एब्जॉर्ब करने लगा है। ये जितना सोर्स जितना इस सैंपल के नज़दीक होगा ये गामा रे उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा ये सैंपल वाला न्यूक्लियस। सपोज बात ये यहाँ पर है, अगर इसी को मैं इधर रख दूँ तो गामा रे उतनी उतनी थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर पाएगा, डिस्टेंस का भी तो फर्क पड़ता है ना। जितनी ज़्यादा नज़दीक होगा सोर्स से सैंपल के उतनी ही आसानी से ये गामा रे को ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जैसे 2 मिलीमीटर पर सेकेंड मैंने सोर्स को इधर खिसकाया, ठीक है, एनर्जी ऑफ इस सैंपल की एनर्जी बढ़ गई 10.5 किलोजूल। इंटेंसिटी अभी भी गामा रे की 100% मान ली मैंने। ऐसे जब 4 मिलीमीटर पर सेकेंड किया तो एनर्जी और बढ़ गई सैंपल की 11 किलोजूल हो गई, इंटेंसिटी मान ली 100%। जब मैंने सोर्स की स्पीड को 8 मिलीमीटर पर सेकेंड कर दिया और एनर्जी ऑफ सैंपल हो गई 12 जूल, तब इंटेंसिटी अचानक 30% हो जाती है। यानी पहले 100% थी इस पॉइंट तक तो ठीक है, इस पॉइंट तक तो, लेकिन फिर अचानक से इंटेंसिटी घट जाती है, ठीक है। और फिर वापस से जब और मैंने स्पीड को बढ़ाया सोर्स की स्पीड को यानी और इधर इस साइड में सैंपल की और साइड में ले गए, तब एनर्जी तो बढ़नी थी सैंपल की, ठीक है, तब वापस इंटेंसिटी 100% मिलती है। तो इन्हीं सभी को प्लॉट किया गया इस कर्व में, कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया गया कि पहले तो मान ली इंटेंसिटी ऑफ जो गामा रे वो 100% थी इस पॉइंट पर, ठीक है, इधर स्पीड ऑफ सोर्स बढ़ रही है धीरे धीरे। स्पीड ऑफ सोर्स क्या हो रही है देखिएगा, स्पीड ऑफ सोर्स बढ़ रही है, मैंने मान लिया यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 मिलीमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर मैंने मान लिया 8 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया 10 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 2 पर भी बढ़ रही है इंटेंसिटी, 2 मिलीमीटर पर सेकेंड जब स्पीड है सोर्स की तो इंटेंसिटी का हमारी कितनी है 100% है, 4 पर भी 100% है, 6 पर भी 100% है, ठीक है, लेकिन 8 पर 8 मिलीमीटर पर सेकेंड पर देखिएगा, 8 मिलीमीटर पर सेकेंड पर इंटेंसिटी 30% हो जाती है। 30% मैंने मान ली कहीं अप्रोक्स यहाँ पर 30% है, तो अचानक क्या होती है ये डिक्रीमेंट देखने को मिलता है इस टाइप का, ठीक है। फिर क्या होगा 10 मिलीमीटर पर सेकेंड, जब 10 मिलीमीटर पर सेकेंड पर क्या होगी वापस एनर्जी बढ़ जाती है और इंटेंसिटी भी 100% हो जाती है। यानी वापस से अब क्या होगा इस पॉइंट पर आने के बाद वापस से क्या हो जाती है बढ़ जाती है इंटेंसिटी और फिर आगे फर्दर 100% इंटेंसिटी आपको मिलती है। तो कुछ इस टाइप का अपने कर्व देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट पावर स्पेक्ट्रा किनके बीच में होता है, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज वर्सेस स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड कैसी मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट समझ सकते हो आप, जो भी इसका इंट्रो था मोस्ट पावर का, कल अपन कंप्लीट स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग जिसको अपन क्वार्टर पोल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग जिसको अपन जिमॉन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, तो दोनों ही अपन पढ़ने वाले हैं कंप्लीट स्प्लिटिंग। फर्दर अपन कुछ देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कुछ अपन मेटल्स के बारे में, उनमें कौन कौन से आइसोमर शिफ्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसके 2 लेक्चर और बनेंगे, ठीक है, उनमें अपन इस मोस्ट पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर देंगे। कल जो लेक्चर आएगा वो हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पर आएगा, उसकी भी डिमांड है कुछ स्टूडेंट्स की, तो वो हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपन इस चॉइस इज योर्स वाले प्लेलिस्ट में ही अपन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।